वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली जैसे कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन, हार्ट का बीट होना, पेरिस्टेंसिस होना डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सब एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मास्टर ऑफ अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना। बट जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम क्विक एक्शन शो करता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम सबसे क्विक एक्शन शो करता है देन अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है ये हम देखेंगे। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? नर्व्स का एंड नर्व सेल्स का। सो नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स और नर्व सेल्स। सो ये नर्व सेल्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोन। सो न्यूरोन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हमारी नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शन है ये न्यूरोन परफॉर्म करता है। इट मींस नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरोन से। और नर्व्स जो है वो भी न्यूरोन से ही बनी है। अब इनका फंक्शन क्या है न्यूरोन्स का? दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो नर्व्स या न्यूरोन्स क्या करते हैं? पूरी बॉडी से मैसेज लेकर आते हैं। किसके थ्रू मैसेज जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है ब्रेन तक। सो स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्ड एंड ब्रेन नर्वस सिस्टम के पार्ट है। नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उस मैसेज को रिएक्ट करता है, उसके लिए रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, एंड वही जो रिएक्शन है वो मैसेज की फॉर्म में ही वापस आता है एंड जिस भी बॉडी पार्ट को ज़रूरत है या फिर जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होना है वहाँ पर ये जाके एक्शन परफॉर्म करता है। सो नर्व्स का क्या काम है? मैसेज लेकर आना ब्रेन तक एंड ब्रेन से मैसेज लेकर जाना, और बॉडी पार्ट में जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो गर्म चीज को टच करते ही न्यूरॉन्स या नर्व्स के थ्रू ब्रेन में मैसेज किया स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ब्रेन ने मैसेज वापस भेजा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कि अपना हाथ पीछे कर लो क्योंकि वो गर्म चीज है। सो ये इस तरह से फंक्शन होता है एंड बहुत ही जल्दी से मैंने हाथ पीछे कर लिया। सो इट मीन्स नर्वस सिस्टम बहुत ही क्विक रिएक्शन शो करता है, क्विक सडन रिस्पॉन्स शो करता है। सो नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से पता लग रहा है कि सेंटर। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा मास्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो सारी एक्टिविटीज जो रिएक्ट करना है, मैसेज को इंटरप्रेट करना है, वो उसका किसका काम है? ब्रेन का। सो ब्रेन एक सेंटर है नर्वस सिस्टम का जहाँ पर मैसेज के लिए रिस्पॉन्स शो होता है। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के उनके थ्रू सिर्फ मैसेज जाता है एंड मैसेज आता है। सो ब्रेन ने मैसेज को रिस्पॉन्स करना है। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लाइज विद इन द स्कल। हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ही निकलता है थ्रू फोरामेन मैग्नम। सो ब्रेन के बेस पे यानी स्कल के बेस पे, सो ब्रेन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड दोनों बोन के अंदर प्रेजेंट है, बोन के अंदर सुरक्षित है। ब्रेन जो है स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट है, एनकेस्ड है, एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। सो वर्टिब्रल कॉलम भी एक बोन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सो ये दोनों ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड निकल कहाँ से रही है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन जो स्कल के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर बेस पे एक होल प्रेजेंट होता है, होल या ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। सो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। सो इट मींस ब्रेन ही आगे एक्सटेंड होकर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी किससे कवर रहते हैं? एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। सो मेनिंजेस थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि नर्व्स को
या न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन को क्रेनियम भी कहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप एएनएस बोल सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है यानी विसरा प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स, ये अपने आप फंक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। सो इनवॉलंटरी मूवमेंट, अपने आप हार्ट का बीट होना, पेरिस्टेल्सिस, डाइजेस्टिव डाइजेशन में पेरिस्टेल्सिस वेव लाइक मूवमेंट होती है जिससे फूड आगे पास होता है, सांस लेना, ये सब इनवॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट है। सो इनवॉलंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर टू टाइप्स है, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? प्रिपेयर्स बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस। एकदम से कोई भी सडन स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि हमने एकदम आगे शेर देख लिया या फिर एकदम से कोई डराने वाली चीज आ गई, तो कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्विक रिएक्शन शो करेगा, हार्ट बीट को एकदम से बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट में काम करता है। रेस्ट में हमारी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, ताकि जब कोई भी सडन रिस्पॉन्स शो करना हो, कोई भी फ्राइटनिंग या ड्रावनिंग सिचुएशन हो, फ्राइटिंग सिचुएशन हो, तो पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया हुआ है? एनर्जी को बचा कर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आप SNS बोल सकते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल्स वॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो वॉल्यूंट्री मूवमेंट, जैसे कि अपना हाथ उठाना, चलना फिरना, बोलना, ये सब हमारी अपनी विश से हो रहा है, अपने आप ये हम कर रहे हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूंट्री मूवमेंट? ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो सोमैटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी वॉल्यूंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है SNS, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे विश में नहीं है। नर्वस सिस्टम के डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एंड डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। आल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।